पहली फिल्म में इस एक्ट्रेस को मिला था नेशनल अवार्ड। शेखर कपूर से सगाई के बाद जावेद अख्तर से की शादी। अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी बॉलीवुड की रेस्पेक्टेड आर्टिस्ट में से एक हैं। शबाना आजमी मशहूर कवि कैफी आजमी और स्टेज एक्ट्रेस शौकत आजमी की बेटी हैं। 40 साल से अधिक के करियर में उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं की और अपने आप को साबित किया है। चाहे वह आर्टिस्टिक फिल्में हो या कमर्शियल, शबाना ने हर फिल्म में शानदार एक्टिंग से दिल जीता। इस लीजेंड एक्ट्रेस के 69 साल की हो जाने पर हम आपको बताते हैं उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। शायद ही किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ ऐसा हुआ हो कि वह अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत पाया हो, लेकिन शबाना को फिल्म अंकुर के लिए डेब्यू करते ही नेशनल अवार्ड मिला, जिसने उन्हें बड़े पर्दे पर पहचान दिलाई। शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन शबाना आजमी के फिल्मों में आने के पीछे जाया भादुड़ी का हाथ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (APTII) की फिल्म सुमन में जया को एक्टिंग करते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने पुणे के इस इंस्टीट्यूट और उसके बाद में फिल्मों में एंट्री ली। शबाना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनको शशि कपूर पर क्रश था और शशि के पिता पृथ्वीराज कपूर उनके पड़ोसी थे। जब भी शशि अपने पिता से मिलने जाते, शबाना शशि के एक फोटो के साथ उनसे ऑटोग्राफ लेने जाती थी। सालों बाद 1976 में दोनों को फिल्म फकीरा में एक साथ जोड़ा गया। जब देवानंद फिल्म किस किस कर रहे थे, शबाना आजमी को शेखर कपूर से मिलना था। दोनों में प्यार हो गया और सगाई भी हो गई, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। शबाना अपने पति जावेद अख्तर के स्मार्ट अनेस और इंटेलेक्चुअल दिमाग से अट्रैक्ट होने लगी। हालांकि जावेद पहले ही हनी ईरानी से शादी कर चुके थे। हनी को तलाक देने के बाद जावेद ने 9 दिसंबर 1984 को शबाना से शादी कर ली। 1983 से 1985 तक शबाना को लगातार 3 साल नेशनल अवार्ड फिल्म अर्थ, खंड अहर और पार के लिए मिले। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कुल 5 बार पुरस्कार जीता है। 1988 में शबाना को भारत सरकार द्वारा देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।